हाय फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम इलॉन्गेशन ऑफ बार के ऊपर, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एज शोन, कैलकुलेट चेंज इन लेंथ, और यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁵। यंग्स मॉडुलस स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, चले हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इलॉन्गेशन ऑफ बार के ऊपर क्वेश्चन हमें दिया है, ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एज शोन, कैलकुलेट चेंज इन लेंथ, और यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁵ MPa। MPa का मतलब होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि 1 MPa इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस वाले ऐसे टाइप के सम में हमें बीच का पार्ट फिलहाल के लिए भूल जाना है कि बीच का पार्ट इस क्वेश्चन में दिया है और उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंसिडर ए बी। तो ए बी देख सकते हैं आप इस तरीके से दिया अपने को ए बी, और यहाँ पर 300 mm इसका लेंथ है, और अब फोर्स कौन सा लेंगे मैं पहले बता चुका हूँ, बीच वाले को आपने भूल जाना है, आपने वो ये फोर्स दिया है 1 kN। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से भी 1 kN लगा लेंगे, ठीक है। अब सिंपली हमको इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो डो एल फॉर ए बी इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। तो इसमें पी है अपना 1 kN, लेकिन ध्यान दीजिए अपना जो अजम्पशन होता है राइट साइड जाने वाले को प्लस और लेफ्ट साइड आने वाले को माइनस, तो इसलिए ये देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड आ रहा है मतलब माइनस, इसलिए माइनस 1 kN है, तो फिर इसको अपने को न्यूटन में करना पड़ेगा, इसलिए माइनस 1 × 10³ और इंटू लेंथ, लेंथ तो 300 mm में है इसलिए उसको mm में रखेंगे, 300 अपॉन एरिया, एरिया दिया अपने पास 100, तो एरिया 100 पहले से mm में। अब आता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, अब सिंपली इसको कैल्शियम में पुट करेंगे, कैल्शियम में पुट करने के बाद 2 LAB की वैल्यू आपको निकल के आएगी माइनस 0.015 mm। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है, इसको हम कंप्रेसिव लिख सकते हैं, कंप्रेसिव, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज इन लेंथ, क्योंकि पिछले सम से हमने देखे जब पॉजिटिव आता है मतलब इंक्रीज इन लेंथ होता है, यहाँ पर माइनस में इसने कंप्रेसिव डिक्रीज इन लेंथ। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि अपना सी डी कंसिडर सी डी। तो सी डी देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से अपने को दिया है सी डी। सी डी में इस साइड का फोर्स भूल जाइए, क्योंकि ये बीच की तरफ आता है, अपने को कॉर्नर के चाहिए होते, तो यहां पर आया है माइनस का 2 kN। सेम इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, इन साइड जा रहा है मतलब माइनस होता है। अब सिंपली हमको फॉर्मूले में पुट करना है 2 LCD इक्वल्स टू PL अपॉन AE। तो इसका P कितना है 2 kN है, इन साइड है इसलिए माइनस, तो माइनस 2 × 10³ न्यूटन में करने के लिए, और इंटू इसका लेंथ, इसका लेंथ दिया है अपने को 600 mm, तो यहाँ पर 600 लगा लेंगे अपन, अपॉन एरिया, एरिया सबके लिए सेम है, एरिया है 100 इंटू यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁵, ठीक है। सब कुछ बना बनाया है, अब सिंपली इसको कैल्शियम में पुट करना है, जब आप इसे कैल्शियम में पुट करेंगे तब आपको
एल सी डी की वैल्यू निकल के आएगी -0.06, ठीक है। और ये भी एमएम में है और माइनस है, इसलिए ये भी कंप्रेसिव। माइनस मतलब कंप्रेसिव मतलब डिक्रीज इन लेंथ। अब हो गया हमारा ए बी और सी डी कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है, जो कि अपना बीच का पार्ट होता है। बीच का पार्ट मेन क्यों है? क्योंकि वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। बीसी 400 mm इसका लेंथ है। अब हम फोर्स कैसे लगाएंगे? यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 kN हमने अज्यूम किया था, जो कि माइनस का 1 kN है, ठीक है। 1 kN हमने अज्यूम किया था, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का 3 है। तो हम ऐसा क्या लगा सकते हैं कि हमें वहां पर माइनस का 3 आना चाहिए? यहाँ पर हमें -1 हमने अज्यूम किया है, इसमें हम वापस -2 लगाएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा माइनस का 3, है ना। -1 हमने अज्यूम किया है और उसमें हम -2 और लगा देंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम माइनस का 2 लगाएंगे। ठीक है, अब इसी को बैलेंस करने के लिए हम इसको इस साइड भी फोर्स लगाएंगे, जो कि ये हो जाएगा 2 kN, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें सेम लगाना पड़ता है। तो अब सिंपली सब कुछ है हमारे पास, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। 2L BC इक्वल्स टू PL/AE। अब देख सकते हैं क्योंकि फोर्स बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम P लेंगे, 2 kN है इसलिए 2 × 10³ न्यूटन में करने के लिए, और × 400 इसका लेंथ है, अपॉन एरिया 100 है, इंटू यंग मॉडुलस है 2 × 10⁵। ठीक है, सब कुछ है अपने पास। अभी इसको सिंपली हमें कैल्शियम में पुट करना है। जब आप इसको कैल्शियम में पुट करेंगे तो आपको 2L BC की वैल्यू निकल के आएगी 0.04 मीटर, जो कि पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, ये हो गया अपना 2L BC। अब सब कुछ अपने पास है। अब अपने को सिर्फ क्या पूछा है? कैलकुलेट चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ के लिए सिंपली अपन इन तीनों को प्लस कर देंगे, मतलब कि 2L = 2L AB + 2L BC + 2L CD = इन तीनों को आप प्लस कर देंगे -0.015। BC अपना है 0.04, जो कि पॉजिटिव का है, +0.04, और माइनस CD है अपना -0.06, 0.06। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2L = -0.035 mm। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इसका डिक्रीज हो रहा है लेंथ, लेंथ इसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। यही टाइम कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।